सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में हम मेजरमेंट ऑफ एंगल्स को देखेंगे। अब तक 10th तक क्या होता है कि सारे एंगल्स को यूजुअली आप डिग्री में मेजर करते हो, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यूजुअली जो एंगल्स का मेजरमेंट है वो बेसिकली दो तरह के यूनिट्स में यूज होगा, रेडियन में और डिग्री में। एक थर्ड सिस्टम भी है, ग्रेड सिस्टम, बट वो आजकल आउट ऑफ फैशन है। मतलब मॉडर्न डे में, मॉडर्न मैथमेटिक्स में ग्रेड सिस्टम का यूज कहीं भी नहीं होता यूनिवर्सली। तो बेसिकली दो ही सिस्टम यूज होते हैं, डिग्री सिस्टम और रेडियन सिस्टम। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि डिग्री और रेडियन में आपस में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि डिग्री और रेडियन का रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। डिग्री सिस्टम की बात करें तो ये तो बचपन से आप पढ़ते चले आए, जब से आपने ज्योमेट्री की शुरुआत की होगी, पांचवी छठी क्लास में आपने शुरुआत किया होगा, तभी आपको बताया गया होगा कि डिग्री सिस्टम एक्चुअली है क्या। क्या एक्चुअली अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते, सपोज आपने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, इस पर आपने कोई पॉइंट लिया आपकी, तो ये जो पूरा स्ट्रेट एंगल है स्ट्रेट लाइन पे, ये 180 डिग्री है। यानी स्ट्रेट लाइन जो होता है ये 180 डिग्री होता है। और अब अगर हम इसको 180 पार्ट्स में डिवाइड कर दें इक्वली, अब ज्योमेट्री बॉक्स पे कंपास यूज करते ही होगे, उसमें क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन होता है और उसके 180 इक्वल पार्ट्स किए होते हैं। तो एक तो अगर आपने इसके दो इक्वल पार्ट किए, यानी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया पी पे, तो दो इक्वल पार्ट्स कर दिए तो ये 90 डिग्री ईच हो गए। एंड देन इस वाले के 90 इक्वल पार्ट्स अगर कर दिए जाए तो हर एक पार्ट एक डिग्री का लाता है। सीधी सी बात यह है कि एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल है वो 180 डिग्री का है, उसके 180 इक्वल पार्ट्स कर दिए जाएं तो ईच पार्ट जो है वो एक डिग्री के इक्वल होता है। इससे हम बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं क्योंकि बचपन से यूज करते चले आए हैं डिग्री में हम। रेडियन क्या होता है एक्चुअली? डिग्री तो हमें समझ में आता है कि एक स्ट्रेट लाइन है 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री का जो अगर इक्वल पार्ट्स करेंगे 180 पार्ट, तो एक पार्ट का रहेगा 1 डिग्री के। ये भी बहुत अच्छी तरह से हम वाकिफ हैं कि अगर हम दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये जो चारों एंगल्स बन रहे हैं, एक एंगल ये बन रहा है, ये सारे 90 डिग्री के हैं, ये चारों एंगल जो है ये 90 डिग्री। तो टोटल एक कंप्लीट रोटेशन जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। यानी एक बार अगर कंप्लीट घूमते हैं तो वो 360 डिग्री एंगल होता है। अब आते हैं रेडियन पे कि रेडियन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो रेडियन डिफाइन करने के लिए ये हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, आप भी साथ साथ ड्रॉ करेंगे। ये सपोज एक सर्कल है, सपोज इसका सेंटर सी है और रेडियस आर है। इसका हमने कोई आर्क लेंथ लिया ए बी, और ये जो आर्क है ए बी, ये सेंटर पे सपोज एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा। ये जो आर्क लेंथ है ए बी, ये सपोज एल है। तो ये जो सेंट्रल एंगल है थीटा, जो आर्क लेंथ एल सेंटर पे सबटेंड कर रहा है, इसको अगर रेडियन में लिखें तो थीटा होगा आर्क लेंथ ओवर रेडियस। थीटा इज आर्क लेंथ ओवर रेडियस। रेडियन में ध्यान रहे ये फॉर्मूला रेडियन पे वैलिड है कि थीटा होगा आर्क लेंथ ओवर रेडियस। तो रेडियन को डिफाइन कैसे किया गया कि आपने एक सर्कल लिया एनी रेडियस का, सपोज आर रेडियस का आपने सर्कल लिया,
देन आपने एक आर्क लेंथ लिया, एनी लेंथ, कोई भी लेंथ आप अपनी मर्जी से चूज कर लो, सपोज आपने एल लेंथ चूज कर। नो ये एंगल अगर मुझे देखना है कि ये एंगल क्या है रेडियन में, डिग्री की बात नहीं कर रहा हूं, ये एंगल मुझे देखना है रेडियन में कि ये कितने रेडियन का एंगल है, तो हम कहेंगे कि ये जो एंगल है ये एल ओवर आर के इक्वल, ये रेडियन का डेफिनेशन है, रेडियन को हम डिफाइन करेंगे थीटा जो रेडियन है ये एल ओवर आर के इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 रेडियन इसको कहेंगे हम, 1 रेडियन होगा कब, जब एल और आर सेम हो जाएंगे, अगर एल और आर सेम हो गया तो जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो 1 रेडियन का रहेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपने एक सर्कल ड्रॉ किया है फॉर एनी रेडियस, चाहे कोई भी रेडियस ले लो, 1 रेडियस, 2 रेडियस, 3 रेडियस, जो आपने रेडियस लिया है उतना ही आर्क लेंथ ले लो, यानी जितना लेंथ ये है उतना ही लेंथ इस पर से कट कर दो, तो जो सेंटर पे एंगल बनेगा उस एंगल को हम कहेंगे कि ये 1 रेडियन का एंगल है। समझ में आ गया? 1 रेडियन का एंगल हम किसको कहेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस एट द सेंटर, यानी अगर कोई आर्क लेंथ लेते हैं जो रेडियस के इक्वल है, यानी ये एल आर के इक्वल है, और ये एंगल जितना सबटेंड हो, ये जो आर्क लेंथ है जितना एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे, ये एंगल कहलाएगा 1 रेडियन के इक्वल। तो लिख लीजिए 1 रेडियन का डेफिनेशन, 1 रेडियन, 1 रेडियन, जैसे डिग्री के लिए, एक बात और सुन लीजिए, डिग्री के लिए आप जैसे आपको लिखना होगा 30 डिग्री, तो आप ये लिखते हैं, रेडियन के लिए हम सी लिखते हैं, जैसे डिग्री के लिए ये 30 डिग्री हो गया, मान लो अगर आपको 30 रेडियन लिखना है तो 30 रेडियन ऐसे लिखोगे 30 से, या कुछ नहीं लिखेंगे। सुन लीजिए बहुत ध्यान से, डिग्री लिखा जाता है रेडियन के लिए, या तो सी लिखते हैं या कुछ नहीं लिखते हैं, अगर एंगल के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो रेडियन में माना जाएगा, ये बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। इसलिए आगे से कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में अगर साइन 2 लिखा हुआ और साइन 2 डिग्री लिखा हुआ है तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, साइन 2 जो लिखा हुआ है वो 2 रेडियन है, और साइन 2 डिग्री में अगर डिग्री लिखा जाएगा रेडियन, या तो रेडियन की जगह पे सी लिखा जाएगा या कुछ नहीं लिखा हुआ, तो अगर एंगल के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो एंगल को हम रेडियन में मान के चलते हैं। नाउ 1 रेडियन को मैं क्या बोल रहा हूं, 1 रेडियन को कैसे डिफाइन करते हैं, 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क लेंथ at the center of a circle if arc length is equal to radius, अगर arc length radius के equal है तो जितना angle center पे subtend होगा वो 1 radian कहलाएगा। लिख लीजिए 1 radian, 1 radian is the angle subtended by an arc length at the center of a circle, if the arc length is equal to the radius of the circle, तो अगर ये आर्क लेंथ हमने रेडियस के इक्वल कर दिया, जितना लेंथ ये है उतना ही लेंथ यहां से कट कर लेंगे, जॉइंट का जो सेंटर पे एंगल है वो कराएगा 1 रेडियन। जनरल फार्मूला जो एंगल के लिए हो गया थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ ओवर रेडियस। फिर से कह रहा हूं कि ये फार्मूला वैलिड है जब हम एंगल को रेडियन में लिख रहे हैं, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एल की वैल्यू हो जाएगी आर इंटू थीटा, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर की वैल्यू हो जाएगी एल ओवर, तीनों एक ही फॉर्मूले, आप जिस फॉर्म में लिखना चाहें, तो थीटा एल ओवर आर या एल आर थीटा या आर एल ओवर थीटा। ठीक, अब ये तो जो वैल्यू है थीटा, इसमें जो थीटा है वो एक्चुअली रेडियन में है, आप चाहें तो लिख दें यहां पे नोट करके कि थीटा इज इन रेडियन। अब देखेंगे कि रेडियन और डिग्री में आपस में क्या रिलेशन है, तो डिग्री रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, नोट नहीं किया अभी,
सेकंड में। अच्छा वो पहले हेडिंग दे चुका हूँ मैं। अच्छा मुझे लगा कि मैंने हेडिंग नहीं दिया पहले, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। मुझे लगा मैंने सिर्फ रेडियन डिफाइन किया, वो रिलेशन नहीं लिखा है। चलो लिख दिया तो दोबारा देने की जरूरत नहीं आपको। अब देखिएगा ध्यान से, फिर से मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया एनी रेडियस का, आप भी ड्रॉ कर लें साथ साथ। एक्चुअली देखना चाह रहे हैं कि रेडियन एंड डिग्री में क्या रिलेशन होगा। तो ये एनी सर्कल है और ये इसका एक डायमीटर है एबी। सी सपोज इसका सेंटर है, रेडियस से आर है। ठीक, अब चूंकि ये सेंटर पे जो है ये स्ट्रेट एंगल बन गया पूरा, ए बी जो आर्क लिया है आपने वो पूरा स्ट्रेट लाइन लिया है, तो जो सेंटर पे एंगल बनेगा डिग्री में ये कितना होगा 180 डिग्री। तो जो सेंटर पे एंगल है, इस एंगल को हमने थीटा बोल दिया अभी, तो थीटा को अगर डिग्री में बोलेंगे तो ये कितना है 180 डिग्री है। बोलिए सही है, क्योंकि ये अपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है और स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल होगा वो डिग्री में वो 180 डिग्री का होगा। तो ये एंगल अगर हम डिग्री में लेंगे तो दिस एंगल इज 180 डिग्री। और देखते हैं कि अगर इसी एंगल को रेडियन में लेंगे तो ये कितना होगा। तो रेडियन में क्या फॉर्मूला होता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ ओवर रेडियस। तो अगर इसको रेडियन में लेते हैं तो थीटा होगा आर्क लेंथ ओवर रेडियस। आर्क लेंथ का मतलब हम ये लेंथ बात कर रहे हैं यहां से यहां तक, और आपको ये तो पता ही है कि सर्कमफेरेंस पूरा जो होता है वो होता है 2 पाई आर, क्योंकि हम सेमी सर्कल ले रहे हैं, तो यहां से यहां तक ले रहे हैं, तो आधा कितना हो जाएगा पाई आर। तो एल क्या हो गया यहां पे पाई आर, तो ये बन गया पाई आर ओवर आर। आर कैंसिल हो गया तो ये क्या बन गया पाई। तो अगर ये एंगल हम डिग्री में लिखेंगे तो 180 डिग्री है, रेडियन में लिखेंगे तो पाई है। तो इसका मतलब है कि पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के इक्वल हो जाता है। तो पाई रेडियन की वैल्यू हो गई 180 डिग्री। रिलेशन बन गया अब पाई रेडियन इज 180 डिग्री। ठीक है, तो मोटे तौर पे तो हम ये रिलेशन याद रखेंगे रफली कि पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो अगर पाई बाई 2 कहीं पे लिखा हुआ है तो वो 90 डिग्री हो गया, पाई बाई 3 लिखा हुआ है तो वो 60 डिग्री हो गया, पाई बाई 4 लिखा हुआ है तो 45 डिग्री हो गया। तो अगर एंगल पाई रेडियन लिखा हुआ है तो ये हो गया 180 डिग्री। तो इसी तरह से अगर पाई बाई 2 रेडियन लिखा हुआ है 90 डिग्री, पाई बाई 3 रेडियन लिखा हुआ तो 60 डिग्री। ध्यान दे, रेडियन के लिए मैंने बार बार अभी कहा कि सी लिखते हैं या कुछ नहीं लिखते हैं। अगर एंगल के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो उसको आप रेडियन ही मानोगे, ये बोलोगे नहीं कि आपने तो बोला ही नहीं कि रेडियन लिखना है। पाई बाई 4 रेडियन अगर लिखेंगे तो ये 45 डिग्री है, पाई बाई 6 रेडियन अगर लिखेंगे ये मैंने वो एंगल लिख दिया जो यूजुअली हम यूज करते हैं, फ्रीक्वेंटली जो यूज होता है यही एंगल यूज होता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक, आगे देखिएगा, हम कह रहे हैं कि जो पाई रेडियन है ये 180 डिग्री के इक्वल है। अब इंटर कन्वर्जन देखते हैं, अगर कोई एंगल हमें रेडियन में लिखा हुआ है तो उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में लिखा हुआ है तो उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो बहुत सिंपल तरीका, बहुत ध्यान से समझिएगा सर। जैसे अभी मैं चल रहा हूं रेडियन से डिग्री में, पाई रेडियन क्या है 180 डिग्री के इक्वल। तो अगर मुझे मान लो 1 रेडियन की वैल्यू लिखनी है तो
वन रेडियन को क्या लिखेंगे, वन रेडियन पर 180 डिग्री, तो वन रेडियन होगा 180 ओवर पाई डिग्री। नाउ पाई की वैल्यू होती कितनी है, रफली 3.14 या 22/7। तो अगर मैं इसको पाई की जगह पे 22/7 लिख दूं, ठीक, तो कितना बन गया ये 18 × 7 कितना होता है 126। तो 1260, बल्कि 2 से कैंसिल कर देता हूं पहले, तो ये हो जाएगा 180 × 7/22 डिग्री। 2 से कैंसिल कर देता हूं, 11 2 से यहां हो जाएगा 90, तो 630/11 डिग्री हो गया, 1 रेडियन 630/11 डिग्री। नाउ 11 से अगर मैं 630 को डिवाइड करता हूं, सिंपल डिवीजन, डिवाइड करो क्या आएगा यहां पे 555, बचा 80, 757, रिमाइंडर क्या बच गया हमारे पास 3। तो 1 रेडियन कितना हो गया, एक मिनट जल्दबाजी मत कीजिए, तो 1 रेडियन हो गया 57 होल नंबर 3/11 डिग्री। 1 रेडियन कितना हो गया 57 होल नंबर 3/11 डिग्री। तो एक तो मोटे तौर पे हम ये याद रखते हैं, कुछ चीजें जैसे हम रफली याद रखते हैं कि एक तो याद रखो कि पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री होता है, तो अगर पाई बाई 2 लिखना तो स्ट्रेट अवे 90 डिग्री, पाई बाई 3 60 डिग्री, पाई बाई 4 45 डिग्री, पाई बाई 6 30 डिग्री। एक रेडियन से डिग्री में जब जा रहे हैं तो 1 रेडियन रफली होता है 57 डिग्री, 57 से थोड़ा सा ऊपर है, तो रफली हम याद रखते हैं कि 57 डिग्री के आसपास है ये, इनफैक्ट ये 57.2 समथिंग होगा। लेकिन अगर इसको प्रिसाइजली लिखें, क्लोजली देखें कि ये एक्चुअली कितना है, तो 57 डिग्री, इसके अलावा हमारे पास 3/11 डिग्री और है, और डिग्री को अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो 1 डिग्री जो होता है ये 60 मिनट्स के इक्वल होता है, और 1 मिनट जो होता है ये 60 सेकंड्स के इक्वल होता है। सिंगल डैश जो है उसको मिनट पढ़ेंगे, जो डबल डैश लिखा हुआ है उसको सेकंड्स पढ़ेंगे। तो 1 डिग्री होता है 60 मिनट्स और 1 मिनट होता है 60 सेकंड्स। तो अब अगर इसको फर्दर हम मिनट और सेकंड में लेके चले जाएं तो कितना हो गया ये देख लो, 57 डिग्री तो कंप्लीट हो गया। इसके अलावा फ्रैक्शन में बचा हुआ है 3/11 डिग्री। मैं क्या कर रहा हूं कि इस 3/11 डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट कर रहा हूं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 1 डिग्री होता है 60 मिनट्स, तो 3/11 डिग्री कितना हो जाएगा, 3/11 को मल्टीप्लाई कर दो 60 से, तो ये 3/11 × 60 मिनट्स हो जाएगा, हो जाएगा ना भाई, 1 डिग्री या 60 मिनट्स, तो 3/11 डिग्री कितना हो जाएगा, 3/11 × 60 बना के अपने ये 57 डिग्री 180/11 मिनट्स, ठीक। अब अगर मैं 11 से 180 को डिवाइड कर दूं तो ये हो गया 11, कितना बचेगा यहां पे 70, फिर कितना बचेगा ये 666, तो क्या जा रहा है ये 57 degree 16 minutes एंड देन 4/11 मिनट और बच गया, 16 होल नंबर 4/11, बोला बनाइए नहीं 16 होल नंबर 4/11। अब इसको फर्दर सेकंड में अगर ले जाए, 16 मिनट्स 4/11 मिनट को अगर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट होता है 60 सेकंड, 4/11 मिनट हो गया 4/11 × 60 सेकंड, तो कितना हो गया 57 degree 16 minutes 240/11 seconds। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, फाइनली हमारे पास आ गया कि 1 रेडियन जो है ये 57 डिग्री है, 16 मिनट्स है, और 240 को 11 से डिवाइड करोगे तो ये 21 पॉइंट समथिंग आएगा, तो रफली वो
21 सेकंड बोल देते हैं, तो 57 डिग्री 16 मिनट्स 21 सेकंड्स के इक्वल है, 21 पॉइंट समथिंग आएगा वो। अभी बताता हूं, अभी बताता हूं, पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर से एक्सप्लेन करता हूं। इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 201, तो यहां पे आएगा 11.9, तो बल्कि 21.9 आएगा, तो 21.9 है, तो ज्यादा क्लोज जो है वो 22 के है, तो आप चाहें तो इसको 22 सेकंड्स रफली बोल सकते हैं, क्योंकि 21.9 आएगा। अब देखो फिर से एक बार समझ लो, मैं सारे स्टेप फिर से एक्सप्लेन करता हूं। क्या कर रहे हैं, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं कि एक रेडियन एक्चुअली क्या होता है। तो एक रेडियन जो है 180, पहले सबसे पहले आपने क्या लिखा कि जो पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन होता है 180 डिग्री, ये रिलेशन है बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। तो जब पाई रेडियन 180 डिग्री है तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा, पाई से डिवाइड, तो ये 180 ओवर पाई आ जाएगा। देन हमने पाई की वैल्यू डाल दी, पाई की वैल्यू होती है 22/7 रख दिया, तो ये अल्टीमेटली 630/11 आ गया। देन 11 से आपने 630 को डिवाइड किया, 11 से 630 को डिवाइड करोगे तो आएगा 57 होल नंबर 3/11 आएगा, ये समझ मारा है। 57 होल नंबर 3/11 का मतलब हो गया कि 57 डिग्री तो कंप्लीट आ रहा है और कुछ फ्रैक्शन में आ रहा है, जो फ्रैक्शन में आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3/11 डिग्री। और जो 3/11 डिग्री है इसको मिनट्स में कन्वर्ट किया, तो एक डिग्री जो होता है वो 60 मिनट्स होता है, और एक डिग्री 60 मिनट्स है, तो ये जो 3/11 डिग्री है ये 3/11 इंटू 60 मिनट्स है। डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करना हो तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3/11 इंटू 60 मिनट्स है, ये बन गया 180/11। नाउ 11 को डिवाइड किया 180 से, 11 को 180 से डिवाइड करेंगे तो 16 होल नंबर 4/11 आएगा, डिवाइड करके देखो 16 होल नंबर 4/11। That means कि 57 degree, 16 minutes complete हो गए, लेकिन ये fraction में फिर बच गया 4/11 minutes। ये जो 4/11 minutes है, इसको further हमने second में convert कर दिया, और minute को second में convert करना हो, तो फिर से आप 60 से multiply करो, 60 से multiply किया इसको, तब ये second में हो गया 240/11, 11 से 240 को divide करोगे, तो ये roughly 21.9 आएगा, 21.9 को हमने round कर दिया है 22, तो ये हो गया 57 डिग्री 16 मिनट्स एंड 22 सेकंड्स। इसको याद रख लीजिए कि एक रेडियन जो होता है ये 57 डिग्री 16 मिनट्स और 22 सेकंड्स के इक्वल होता है। 1 रेडियन इज 57 डिग्री 16 मिनट्स 22 सेकंड्स। ये 9 लग गया, तो फिर 9 से मल्टीप्लाई कर दो 10, लेकिन बेहतर वहीं से निकालना, आप सिर्फ मोटे तौर पे वो वाला रिलेशन याद रखो कि पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री होता है, तो 1 रेडियन हो जाता है 180/5 डिग्री, तो 9 रेडियन होगा तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 रेडियन होगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लिखने को आप वही छोड़ दो, मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर आपसे कोई पूछे कि ठीक है 1 रेडियन जो है वो 57 डिग्री है, तो मिनट और सेकंड में अगर जाएंगे तो कितना मिनट है और कितना सेकंड है, तो 57 डिग्री 16 मिनट्स एंड 22 सेकंड्स, मतलब मोटे तौर पे तो हम यही याद रखते हैं कि एक रेडियन 57 डिग्री होता है, क्योंकि इतना फाइनल पॉइंट पे तो हम कभी जाते नहीं है, मोटे तौर पे याद रखते हैं कि एक रेडियन जो है वो 57 डिग्री के। लेकिन अगर कोई आपसे प्रिसाइजली पूछेगा कि नहीं आप बताओ कि 1 रेडियन जो है वो एग्जैक्टली कितना होता है, तो 1 रेडियन एग्जैक्टली होता है 57 डिग्री 16 मिनट्स एंड 22 सेकंड्स। कन्वर्जन कैसे करना है आपको रेडियन से डिग्री में, फिर से सुन लीजिए, जैसे ये तो मैंने 1 रेडियन के लिए किया, अगर मान लो आपसे 2 रेडियन को कोई प्रिसाइजली लिखने को कहे, 2 रेडियन को लिखने को कहा जाए, तो या तो आपने जो 1 रेडियन की वैल्यू निकाली है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या बिल्कुल आपको करके दिखाना हो तो पाई रेडियन है 180 डिग्री, 1 रेडियन है 180/5 डिग्री, तो अगर 2 रेडियन लिखना होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 रेडियन लिखा, फिर जैसे इसको कैलकुलेट किया वैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे लिखे कन्वर्ट 3 रेडियन इंटू डिग्री सिस्टम, इंटू डिग्री सिस्टम, ध्यान दे आपको मिनट सेकंड तक जाना है, मतलब करें से
देखो आप दो तरह से कन्वर्जन कर सकते हो, दो ऑप्शन है आपके पास कि अगर आपको 1 रेडियन की वैल्यू प्रिसाइजली याद है कितना होता है 57 डिग्री 16 मिनट्स एंड 22 सेकंड्स, ये भी इनफैक्ट 21.9 होता है जिसको मैंने रफली 22 लिख दिया। तो 1 रेडियन है 57 डिग्री 16 मिनट्स 22 सेकंड्स, हमें किसकी वैल्यू लिखनी है 3 रेडियन की, तो 3 रेडियन की वैल्यू हो जाएगी 57 डिग्री 16 मिनट्स मल्टीप्लाई होगा 3 से, बोलो ठीक है ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 57 इंटू 3 हो जाएगा 171 डिग्री, 16 इंटू 3 हो जाएगा 48 मिनट्स एंड 22 इंटू 3 हो जाएगा 66 सेकंड्स। बट 66 सेकंड्स का मतलब क्या हो गया, क्योंकि 60 सेकंड का एक मिनट हो जाता है तो 66 सेकंड्स का मतलब हो गया कि 1 मिनट एंड 6 सेकंड, तो ये कितना हो गया 171 डिग्री, जो 66 सेकंड्स है उसमें से 60 सेकंड को 1 मिनट बना दिया तो वो इसके साथ मिलकर क्या हो जाएगा 49 मिनट एंड 6 सेकंड्स, तो ये बनेगा 3 रेडियन जो होगा ये 171 डिग्री 49 मिनट्स एंड 6 सेकंड्स होगा, बोलो ठीक है ये। लेकिन इन केस अगर आपको ये याद नहीं है प्रिसाइजली कि ये 57 डिग्री 16 मिनट्स 22 सेकंड्स होता है, ना नहीं याद है क्योंकि अभी तो अपने के सामने लिखा हुआ है तो आपको याद है, मान लो भूल गया, तो आप बेसिक से निकालोगे, आप कैसे निकालोगे वहां से कि पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री होता है, तो अगर मान लो मुझे याद नहीं है ये कि 1 रेडियन होता है 57 डिग्री 16 मिनट्स 22 सेकंड्स, तो मैं बिल्कुल बेसिक से चलूंगा, कैसे चलूंगा कि पाई रेडियन जो होता है ये 180 डिग्री होता है, तो 1 रेडियन कितना हो गया वाई, आपने ये नोट नहीं किया क्या यजुश, तो पाई रेडियन में 180 डिग्री, तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा 180 बाय पाई डिग्री, मुझे कितना लिखना है 3 रेडियन, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 180 ओवर पाई इंटू 3, पाई की वैल्यू डाल दी ऊपर हो गया 180 इंटू 3, पाई को 22 बाई 7 लिखेंगे तो 7 और नीचे 22, बोलिए ठीक है ये कैंसिल कर देता हूं, पहले 2 से 11, 2 से ये कितना आ रहा है ये 180/11 डिग्री, तो ये हो गया 1890/11। अब हम क्या करेंगे 11 से डिवाइड करेंगे 1890 को, कितना आया है 1, तो ये मिलेगा आपको 79, तो फिर 7 77 201 9, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना आ गया 171/9/11 डिग्री। नाउ 171 डिग्री तो कंप्लीट है, जो 9/11 डिग्री है को मिनट्स में लिख देंगे तो 9/11 60 मिनट्स, कितना बन गया ये 171 डिग्री, ये होगा 171 डिग्री 540 को जब आप 11 से डिवाइड करोगे तो 11 इंटू 4 44 बचा यहां पे 10 0 11 इंटू 9 99 1, तो ये हो गया 171 डिग्री 49 होल नंबर 1/11 मिनट्स। अब ये हो गया 171 डिग्री 49 मिनट्स, जो 1/11 है 60 से मल्टीप्लाई किया सेकंड्स, तो फाइनली हमें मिल रहा है 171 डिग्री 49 मिनट्स 60/11 जो है वो रफली 5 सेकंड्स होगा, 5 पॉइंट समथिंग होगा, तो वही राउंड करके 6 कर दिया गया, तो दोनों सही माना जाएगा, आप चाहे 5 सेकंड्स लिख दो 6 सेकंड्स लिख दो, चूंकि इससे कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये 5.4 समथिंग आ रहा है, वहां से कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो 6 आ रहा है, चूंकि वहां पे हमने ऑलरेडी अपर साइड पे राउंड कर दिया था, चूंकि वो 21.9 था तो मैंने उसको 22 लिख दिया था, तो चूंकि और साइड ऑलरेडी अपर साइड पे राउंड किया हुआ था तो इसलिए वो 6 वाले साइड पे राउंड हो गया, ये जो राउंड हो रहा है ये 5 वाले साइड पे हो रहा है, दोनों ही पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, आप चाहे 5 सेकंड लिख दो 6 सेकंड लिख दो, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, इसका उल्टा
अगर आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करोगे? जैसे लिखे क्वेश्चन, कन्वर्ट सिक्सटी डिग्री इंटू रेडियंस, सिक्सटी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट, तो देखो कैसे कन्वर्ट, वन बाई थ्री नहीं, इसमें उल्टा होगा, क्योंकि आपको पता है कि 180 डिग्री जो होता है ये पाई रेडियन के इक्वल होता है, तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा? पाई ओवर 180 रेडियन। आपको लिखना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हो जाएगा पाई ओवर 180 इंटू 60, तो ये पाई बाई थ्री रेडियन हो गया। अगर आंसर पाई में ही छोड़ा हुआ है, ऑब्जेक्टिव में अगर है और आंसर पाई में छोड़ा हुआ है तब तो ये ठीक है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि आंसर पाई में छोड़ा हुआ और डेसिमल में कन्वर्ट किया हो, तो फिर आपको पाई की वैल्यू लिखनी होगी, पाई की वैल्यू 22/7, तो ये हो गया 22/7 ओवर 3, तो ये 22 ओवर 21 रेडियन हो गया। ठीक है, डेसिमल में अगर फ्रैक्शन में छोड़ा हुआ तो आप यहां भी देखो, डिपेंड करता है कि आंसर कैसे छोड़ना है आपको। अगर पाई के टर्म में छोड़ना है तो आप कहीं छोड़ दीजिए पाई बाई थ्री रेडियन पे, फ्रैक्शन में छोड़ना है तो आप यहां छोड़ दीजिए 22/21 पे, लेकिन अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर 21 से 22 को डिवाइड कर दो, आ जाएगा ये। तो ये रफली 1.04 होगा, ये होगा ना, बल्कि 04 समथिंग होगा, क्योंकि अगर आप 04 भी लोगे तो कितना आएगा 84, नेक्स्ट कितना आएगा 16, तो ये हो जाएगा, तो 1.047 रेडियन है, तो 60 डिग्री जो है रफली 1.047 रेडियन। बेहतर है 0.5 कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन लिखे, अब हम इन फॉर्मूले का यूज करेंगे जो अभी मैंने कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे, जो आगे के प्रॉब्लम्स करने वाले हैं वो इन फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे। कौन सा फॉर्मूला? कि थीटा होता है आर्क लेंथ ओवर रेडियस, तो अगर आर्क लेंथ निकालना हो तो आर इंटू थीटा, रेडियस निकालना हो तो आर्क लेंथ ओवर थीटा, लेकिन ध्यान रहे कि इन फॉर्मूलों में जो थीटा होना चाहिए वो रेडियन में होना चाहिए, तभी फॉर्मूला वैलिड है। इन किसी भी फॉर्मूले, इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो थीटा पहले रेडियन में होना चाहिए तभी फॉर्मूला लगाओगे। क्वेश्चन लिखिएगा, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाई, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर एट द सेंटर, एट द सेंटर, एंड राइट द एंगल इन डिग्री सिस्टम, एंगल को आप डिग्री सिस्टम में लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। शॉर्ट में बोलूं तो रेडियस है 5, आर्क लेंथ है 10, एंगल फाइंड करना है, लेकिन एंगल आंसर जो आपको देना है वो डिग्री सिस्टम में कन्वर्ट करके देना है। करिएगा इसे, नहीं पूरा लिख दो, प्रिसाइजली लिख दो, जब पूछा जा रहा है तो ढंग से लिख।
हो गया। क्या क्या गिवन है आपको? रेडियस गिवन है कितना? 5। आर्क लेंथ गिवन है 10। थीटा चाहिए तो थीटा हम क्या लिखते हैं? आर्क लेंथ ओवर रेडियस। कितना हो गया ये? 2 आया। बट ध्यान रहे ये 2 रेडियन है, क्योंकि इससे जो थीटा निकलेगा वो रेडियन में निकलेगा। अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए एक रेडियन होता है 57 डिग्री। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 2 से, तो ये हो गया 114 डिग्री 32 मिनट 44 सेकंड। तो ये आंसर हो गया। तो अगर आप एक सर्कल लेते हैं जिसका रेडियस 5 है और सर्कल पे आपने एक आर्क लेंथ कट किया जिसका लेंथ 10 है, तो ये जो आर्क लेंथ है ये सेंटर का एंगल सबटेंड करेगा 114 डिग्री 32 मिनट्स एंड 44 सेकंड्स। रफली अगर बोलें तो ये एंगल है 114.5 के आसपास। नेक्स्ट।